style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। सो आज हैं हम सेक्टर 63 ए में और आज हम खड़े हैं अनंतराज इस्टेट के सामने और ये गुड़गांव सेक्टर 63 ए में एग्जैक्टली पड़ता है, जो कि है गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड जो कनेक्ट होता है मेन गोल्फ कोर्स रोड पे जाके। सो आज हम इसी में एक फ्लैट कवर करने वाले हैं, सारी बेसिक डिटेल आपको देंगे कि यहाँ पे आप कैसे अपना बिजनेस के पर्पज़ से, अगर आप यहाँ पे इस लोकेलिटी में देख रहे हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या कम्यूट का क्या ऑप्शन है आपके पास, कितना आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलती है, क्या कुछ यहाँ पे आपके पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, क्या कुछ आपके पास ऑप्शंस होंगे यहाँ पे। सो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें बिकॉज सारी डिटेल्स आपको पता लगने वाली हैं इस वीडियो में, तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना और मेक श्योर आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो जिस जगह पे हम खड़े हैं अभी, ये है एग्जैक्टली मेदावास गांव पड़ता है यहाँ पे और साथ में आपको सामने बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब भी दिख जाता है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में आपको गैलेक्सी मैग्नम जो कि कमर्शियल साइट है वो दिख जाती है। सामने आप देखोगे बिरला नव्या का प्रोजेक्ट, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो एज सून एज हमने मेन गेट से एंटर किया सो ये आपको काफ़ी वाइडर रोड मिल जाता है जो कि सोसाइटी में जाने के लिए है। सो यहाँ से अनंतराज के फ्लोर स्टार्ट हो जाते हैं। सो अभी हम जो कवर करेंगे, सो ये जो सेक्शन है वो आपको अशोक इस्टेट के नाम से है जो कि अनंतराज लिमिटेड के अंदर में ही आता है बिकॉज अनंतराज के पास काफ़ी सारा लैंड पार्सल है। अलग अलग बिल्डर्स का प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि अशोक इस्टेट दिस इज़ ए डिफरेंट ब्लॉक। एंड अभी हम चलेंगे त्रिहान लग्जरी फ्लोर्स, वहाँ पे हमारे पास सैम्पल फ्लैट रेडी है। सो अभी हम वही कवर करने वाले हैं, मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें और भी बाकी डिटेल्स मैं कवर करूँगा। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ त्रिहान लग्जरी फ्लोर्स और सबसे अच्छी बात क्या है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी एंड आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अगर आप अभी विजिट करोगे। सो सारी माइवन की कंस्ट्रक्शन मिलेगी आपको। सो आफ्टर यू नो फॉर्मेलिटीज सिक्योरिटी गार्ड के साथ, सो अभी एंट्री कर रहे हैं एंड ये जो सारा आप स्पेस देख रहे हो सारा त्रिहान के अंडर में आता है दिस इज, एंड वो सामने जो आप देख रहे हो। सो जो ये हाई राइज देख रहे हो पीछे आप त्रिहान के बैक साइड में, दिस इज आयरियोस स्काई वन और ये आइकॉनिक टावर है इसका। और जो पीछे लो राइज आप देख रहे हो ये भी आयरियोस के ही हैं, इन द सेम वे जो आप उधर देख रहे हो वो भी आयरियोस के टावर हैं। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिहान ग्रुप, ओवर 18 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर्ड, 16 प्रोजेक्ट कम्प्लीटेड एंड 30,000 होम्स डिलीवर्ड एज फार एंड ओवर 34 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बिल्डिंग में हम जो है सैम्पल फ्लैट अभी कवर करने वाले हैं, सो दिस वुड बी द मेन एंट्रेंस एंड ये आपको यहाँ पे पार्किंग मिलेगी। सो वी हैव इनफ स्पेस फॉर पार्किंग एंड दिस इज द स्टेयरकेस एंड लिफ्ट लॉबी आई बिलीव। सो दिस इज द लिफ्ट लॉबी, सो आपको दो लिफ्ट मिलेंगी बिकॉज अभी लिफ्ट इंस्टॉल नहीं हुई हैं। सो अभी स्पेस यहाँ पे डेडिकेटेड स्पेस इन्होंने रख रखा है और ये स्टेयरकेस है। सो दो एंट्रेंस मिलेंगे आपको स्टेयरकेस के भी। सो गाइस दिस इज द सैम्पल फ्लैट और ये फर्स्ट फ्लोर पे सैम्पल फ्लैट रेडी कर रखा है त्रिहान बिल्डर्स ने। एंट्री करते ही सामने आपको एडवांस्ड डोर सेट का लॉक मिल जाता है आपको, डोर लॉक, और साथ में आपको डाइनिंग टेबल और लिविंग एरिया दोनों को इन्होंने कंबाइन कर रखा है। थोड़ा कंजस्टेड लगा मुझे एरिया दो, बट काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है। और इस लॉक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यू कैन अनलॉक मी विद द फिंगर पासवर्ड। सो मुझे काफ़ी एडवांस लगा ये डोर लॉक।
और डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने ही आपको पूजा घर मिल जाते हैं, पूजा रूम। इन्होंने छोटा सा स्पेस बना रखा है कॉर्नर में, डिसेंट साइज़ है, ज़्यादा बड़ा है छोटा नहीं कहूँगा मैं, तो आपका पूजा का पर्पज़ सॉल्व कर देता है। और ऐसा कुछ इसका यहाँ से कॉर्नर से अगर हम देखें तो इतना कुछ एरिया आपको मिल जाता है लिविंग रूम में, जो कि हाँ थोड़ा कंजेस्टेड रहेगा। इसका जो कारपेट एरिया मिलेगा वो आपको मिलेगा 1430 स्क्वायर फीट, और जो बिल्डअप एरिया है वो है 1677 स्क्वायर फीट, और टोटल प्लॉट का जो साइज़ है वो 180 स्क्वायर यार्ड है। सो ये हमारा मास्टर बेडरूम होने वाला है, बिकॉज इसका जो बेड की जो वॉल है वो काफ़ी अमेजिंग बना रखी है मेरे हिसाब से, बिकॉज पूरी वॉल जो है वो मिरर है, उसमें ग्लास है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। ये यूजली लोग यू नो प्रिंट वगैरह करते हैं पीछे वाली वॉल पे, वॉलपेपर्स लगाते हैं। सो ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा यहाँ पे देखने को। स्पेस भी आपको रूम में ठीक ठाक मिल जाता है, बिकॉज डबल बेड रखने के बाद में आपको आपके पास एक टेबल के लिए स्पेस होता है ना। और जो है डेकोरेशन काफ़ी अच्छी रखी है, फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है रूम में, सामने इन्होंने LED का स्पेस दे रखा है। और सामने आप देख रहे हो बालकनी है यहाँ की, जो कि फ्रंट में व्यू हो इसका, जो मेन मार्केट होगी सेंटर में जो मार्केट होगी सोसाइटी के, तो वहाँ से आपको इस बालकनी से वो सारा व्यू दिखने वाला है। और ये साथ में इसके अटैच वॉशरूम है, अब वॉशरूम भी अब हम कवर करेंगे। सो ये इसका काफ़ी ह्यूज वॉशरूम होने वाला है। साथ में आप देखोगे इसमें आपको ग्लास का सेक्शन मिल जाता है शावर एरिया में, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है और आई बिलीव कि सब में होना चाहिए। और वॉशरूम में आपको यहाँ का कबर्ड एरिया मिल जाएगा, जो कि वार्डरोब है, साथ में पूरा स्पेस दे रखा है इन्होंने, यूटिलाइज़ कर रखा है वॉशरूम के अंदर में ही, ताकि आपको रूम के अंदर पूरी स्पेस मिल जाए प्रॉपर। सो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने मैनेज कर रखा है वॉशरूम के एरिया को, एक सेपरेट रख दिया है, वहीं पर आप चेंज कर सकते हैं, आपके बेडरूम से बिल्कुल ही अलग हो गया है सारा सिस्टम। सो ये आपको बालकनी मिल जाती है, और बालकनी में ही आपको वॉशिंग का एरिया सेपरेट आपको स्पेस दे रखा है वॉशिंग के लिए, और ये काफ़ी डिसेंट साइज़ की आपको बालकनी मिल जाती है। ये मैं बात करता कि सामने का जो एरिया, ये मार्केट होने वाली है सामने, और ये इस वाले मास्टर बेडरूम से और जो किचन से ये रनिंग बालकनी है अटैच, तो ये आपका व्यू मिलने वाला है यहाँ से। स्पेस ठीक ठाक है बालकनी में, और ये ऐसा कुछ आपको किचन देखने को मिल जाता है। स्पेस भी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, और इन्होंने इटालियन जो मार्बल है उसका यूज़ कर रखा है, और काफ़ी अमेजिंग लुक दे रहा है ये टाइल्स जो इन्होंने लगा रखे हैं। और जो इंटीरियर है वो भी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है, और काफ़ी इंटीरियर के साथ में जो कलर है वुडन का वो काफ़ी मैच कर रहा है। ये आपको सेक्शन मिल जाते हैं, और साथ में डेडिकेटेड स्पेस आपके पास फ्रिज के लिए, ये आपको सेक्शन मिल जाता है यहाँ पे, आप ग्लास वगैरह लगा के तो अपना अलग से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अलग से मॉडिफाई करा सकते हैं। ये आपको चिमनी मिल जाती है, और ये बालकनी जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, सेम बालकनी मास्टर बेडरूम की और किचन की जो है रनिंग बालकनी होने वाली है। और काफ़ी अच्छा स्पेस इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, स्पेशली वॉशिंग एरिया बना रखा है। और ऐसा कुछ आपको सेक्शंस मिल जाते हैं किचन के अंदर में, जो कि ड्रॉर्स हैं, काफ़ी अच्छे से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने यूटेंसिल्स के लिए। साथ में आपको होम मिल जाता है यहाँ पे, और हम चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। सो ये रूम जो है अपोजिट साइड में पड़ेगा एग्जैक्ट किचन के, और ये काफ़ी स्पेशियस है। सो स्पेशियस के साथ साथ जो इंटीरियर यूज़ कर रखा है इस रूम में काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी फील देता है, अच्छी वाइब देता है जैसे आप एंटर करते हो रूम में। और वुडन की फ्लोरिंग आपको मिल जाती है इस वाले रूम में, सामने में आपके पास LED का स्पेस हो जाता है, और साइड में कॉर्नर में आपको दो यू नो सोफ़ा सेट या दो आप चेयर रख सकते हैं यहाँ पे। और ये इसका वार्डरोब है, जो कि एग्जैक्ट बेड के साइड में मिलेगा आपको। और दिस इज़ द वॉशरूम फॉर दिस रूम, जो कि कॉमन होने वाला है लिविंग रूम के साथ में और इस वाले रूम के साथ में। सो वी कैन से ये गेस्ट रूम के उसके लिए भी आप पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये वाला रूम। और वॉशरूम अगेन आपको ग्लास का सेक्शन अलग से मिल जाता है शार एरिया में,
जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है। और ये हमारा थर्ड रूम है, और ये थर्ड रूम सेम बालकनी शेयर करता है जो अभी हमने कॉमन या फिर गेस्ट रूम वाला जो रूम अभी दिखाया था। सो इसमें थोड़ा सा यू नो बेबी थीम के ऊपर बना रखा है, बेबीज़ के लिए या फिर जो आपके लिटिल वन है। साइड में आप देखोगे आपको स्टडी टेबल भी मिल जाता है साथ में, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। और ये आपका अगेन वार्डरोब है, काफ़ी बड़ा है। सो वही आपको स्टडी टेबल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ये वाला वॉशरूम को इन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है कम एरिया में। अब हम देखते हैं कि इसकी बालकनी कैसी होने वाली। बालकनी इसकी जो सामने जो मेन रोड है, जो आप अनंतराज स्ट्रीट में एंट्री करते हो, तो उस वाले रोड का व्यू देखिए यहाँ से सामने से जो आप देख रहे हो। तो ये सामने वाला स्पेस आपको हमेशा खाली दिखने वाला है, बिकॉज़ ये सामने पार्किंग होने वाली है यहाँ पे। सो ये व्यू आपको कभी भी यू नो कवर नहीं होगा, आपको हमेशा ऐसा ही व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्टिल पार्किंग मिलेगी फॉर वन व्हीकल, और पावर बैकअप आपको मिलेगा, और साथ में पोजेशन जो है 2024 में मिलेगा, और जो उसकी आस्किंग है वो 2.15 CR। और अगेन कनेक्टिविटी के लिए आपको काफ़ी अच्छा रोड मिल जाता है यहाँ पे, काफ़ी वाइडर रोड है ये, और एक्सटेंशन रोड जो एरिया है गुड़गांव में काफ़ी अच्छा एरिया में मानता हूँ इसको। और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती है आसपास में आपको, स्कूल हॉस्पिटल एंड होटल्स। सो यहाँ पे आपको डबल ट्री बाय हिल्टन, हॉलीडे इन एवेन्यू 64 और लेमन ट्री जैसे होटल्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। डीपी स्कूल, जीडी गोइंग का और वेगा स्कूल, ये आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। साथ में आपको कॉर्पोरेट मार्केट भी मिल जाती है यहाँ पे, और इंटायर गोल्फ कोर्स रोड भी है आपके पास।